गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू कंप्यूटर क्लास टूडे वी वर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर क्रिएटिंग एन एच डी एमल डॉक्यूमेंट अब यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे हम एच टेमल डॉक्यूमेंट बनाए द बेसिक टूल रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एचल डॉक्यूमेंट इज अ टेक्स्ट एडिटर सच एज वर्ड पैड एंड नोट पैड द टेक्स्ट इज टाइप इन द वर्ड प्रोसेसर एंड द पेज कैन बी क्रिएटेड द एस्टीमल फाइज हैव एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट एच टी एम एल और डॉट एच टी एम लेटस सी हाउ टू ओपन एंड क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यूसिंग नोट पैड सबसे पहले एस्टिमल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको नोट पैड पर क्लिक करना होगा वहाँ पर आपको अपना सारा टाइप करना होगा जो भी फर्स्ट पेज अगर आप बना रहे हैं तो आपको वहाँ पर पूरा टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से हम देखेंगे और एस्टिमल डॉक्यूमेंट बनाने पर आपको हमेशा नोटिस करना होगा कि आपकी जो फाइल है वो सेव हमेशा डॉट एसटीमल या तो फिर डॉट एच से ही होगी नहीं तो ये आपका वेब पेज क्रिएट नहीं हो पाएगा ये आपकी एस्टिमल डॉक्यूमेंट नहीं होगी अब इसके स्टेप देखते हैं स्टेप वन ओपन नोट पैड बाई क्लिकिंग ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम नोट पैड सबसे पहले आप नोट पैड क्लिक करने के लिए स्टार्ट में जाइए फिर ऑल प्रोग्राम एंड देन नोट पैड स्टेप टू इन द नोट पैड टाइप द फॉलोइंग प्रोग्राम यहाँ पर आपके प्रोग्राम दिए गए हैं फिगर सिक्स पॉइंट वन में टाइपिंग सिंपल एस टी एम एल प्रोग्राम यहाँ पर आपको काफ़ी सिंपल एसटीमल प्रोग्राम है जिसमें आपको एक फर्स्ट पेज इन एसटीमल क्रिएट करना होगा ये सारे जो दिए हुए हैं आपको एसटीएमल हैड टाइटल माई फर्स्ट पेज इन एसटीमल और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लैश टाइटल दिया गया है मतलब यहाँ पे आपका क्लोज करने के लिए टाइटल को लिए दिया गया है और फिर हेड ऊपर था तो यहाँ पे स्लैश हेड दिया गया है जिससे बंद हो सके फिर आपका बॉडी आया फिर एस टी एम एल इस टैग बेस लैंग्वेज और फिर आपका स्लैश बॉडी फिर स्लैश एस टी एम एल स्टेप थ्री आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक ऑन फाइल सेव करने के लिए स्टेप फोर में द सेव हैज़ डायलॉग बॉक्स विल अपियर आपके पास एक सेव हैज डायलॉग बॉक्स अपेयर आएगा सेलेक्ट द फोल्डर वेर यू वॉन्ट टू सेव इट आप अपने लिए फोल्डर सेलेक्ट करिए जहाँ पे भी आपको सेव करना है स्टेप फाइव में सेलेक्ट ऑल फाइल एंड सेव एज टाइप ऑप्शन यहाँ पे स्टेप सिक्स में टाइप द नेम फाइल नेम टेक्सट बॉक्स विद एन एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल और डॉट कोई भी फाइल आपको यहाँ सेव करने से जैसे कि आपका नाम राम है तो आप यहाँ पे राम डॉट एच टी एम एल करके फ़ाइल आपको यहाँ पे सेव करनी है फिर स्टेप सेवन में क्लिक ऑन सेव बटन आपको जो आया होगा डायलॉग बॉक्स में वहाँ पे सेव करके आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी एस टी एम एल डॉक्यूमेंट बन करके अब यहाँ पे कैसे आप जो फाइल बनाए हैं क्रिएट किए हैं अब यहाँ पे उसे कैसे देखेंगे यहाँ तो पर हम पढ़ने जा रहे हैं व्यू एन एस्टिमल डॉक्यूमेंट टू व्यू एन एस्टिमल डॉक्यूमेंट यू नीड अ वेब ब्राउजर आपको अपनी एस्टिमल डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किए हैं उसको ओपन करने के लिए आपको वेब ब्राउजर की हेल्प लेनी पड़ेगी सच सचैस इंटरनेट एक्सप्लोजर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एच या फिर गूगल क्रोम यहाँ पे स्टेप वन डबल क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोर आईकॉन ऑन द डेस्कटॉप टू ओपन द ब्राउसर ब्राउसर क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्लिक करना होगा डबल क्लिक स्टेप टू में प्रेस कंट्रोल प्लस ओ टू एक्सेस द ओपन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आपको प्रेस जब करेंगे कंट्रोल प्लस ओ तो आपका एक ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा एंटर द लेटर फॉर द ड्राइव आप एंटर करिए लेटर जो भी आपके ड्राइव में है इन विच योर एस्टिमल फाइल इज प्रसेंट जहाँ पे आपने एस्टिमल फाइल सेव करके रखी है जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था रॉम डॉट एस तो जो भी आपने उसमें फाइल में नाम सेव किया होगा वहाँ पे आपको लिखना होगा फिर स्टेप थ्री में प्रेस एंटर की लिखने के बाद वहाँ पे आपको एंटर की में प्रेस करना होगा, द डायरेक्ट्रीज एंड फाइल्स ऑन डैट पर्टिकुलर ड्राइव बी डिस्प्लेड फिर आपकी जो फाइल होगी वो डिस्प्ले होगी नाउ नेविगेट द डायरेक्ट्री डैट कंटेन द फाइल यू वॉन्ट टू ओपन स्टेप फोर में क्लिक ऑन द एस्टिमल फाइल द ब्राउजर विल डिस्प्ले द पेज जब आप क्लिक करेंगे एस्टिमल फ़ाइल में आपका ब्राउसर विल डिस्प्ले होगा वेब पेज में जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर सिक्स पॉइंट टू में व्यूइंग एंड एस्टिमल डॉक्यूमेंट इन इंटरनेट एक्सप्लोर यहाँ पे आपने जो फाइल क्रिएट की थी माय फर्स्ट पेज इन एस्टेमल और यहाँ पे दूसरा आपने क्या दिया था एस्टिमल इज अ टैग पेज लैंग्वेज सेम यहाँ पे आपका आया है एस्टिमल इज अ टैग पेज लैंग्वेज यहाँ पे आप क्लिक में देख सकते हैं माय फर्स्ट वेब पेज इन एस्टेमल बन करके यहाँ पे आ गया आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिएगा अब हम यहाँ जानेंगे एलिमेंट इन एच डी एम एल एलिमेंट हेडिंग एलिमेंट आर यूज टू ब्रेक अप लार्ज एरिया ऑफ टेक्स्ट अनाउंस टॉपिक टू फॉलो एंड ऑल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू अ लॉजिकल हारिकी हेडिंग एलिमेंट जहाँ तक होता है जो भी आपके लार्ज एरिया ऑफ टेक्स्ट होते हैं उनको ये ब्रेक करता है पेज हेडिंग आर क्रिएटेड विद द एच एंड टैग जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं एच में वो जो भी हेडिंग आप उसमें डालते हैं तो वो किस टैग से होता है एच एन के नाम से होता है इन विच एन इज़ अ नंबर बिटवीन वन एंड सिक्स फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे एच है वो आपका इंडिकेट करता है हेडिंग और एन है आपका नंबर इसका सिंटेक्स आपका है एच एन हेडिंग स्लैश एच एन ये ओपनिंग है और दूसरा आपका स्लैश वाला क्लोजिंग टैग होता है unless otherwise specified heading are displayed using a larger size in of the default font जब भी आप heading बनाते हैं तो हमेशा larger size के ही होती हैं heading किसी भी पेज का same way यहाँ पे भी है there are six level of heading यहाँ पे आपके six level of heading है each using slightly smaller font size h1 आपका स्मॉलर फोन होगा हाइएस्ट लेवल है एंड द लार्जेस्ट लेवल ऑफ़ ऑल हेडिंग इज़ H6 इज़ द लोएस्ट लेवल एंड द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑल हेडिंग यहाँ पे जब H1, H2, H3 आप करके डालेंगे तो ये यह यहाँ की साइज जो भी आपके हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगी यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग टैग कैन बी कैन हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट यहाँ पे एट्रीब्यूट दिए गए हैं और इनके इफ़ेक्ट दिए गए हैं इसे आप पढ़िएगा यहाँ पे सिंटेक्स दिया है जो आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट दिए गए हैं इन्हीं पे यहाँ पे आप फॉलो करेंगे तो ये आपका वेब पेज क्रिएट करने में मदद करेंगे जैसे सिंटेक्स एच एन मीन्स हैडिंग अलाइन इक्वल टू राइट एंड राइट अलाइंट हेटिंग स्लैश एच एन बाई डिफॉल्ट ऑल ब्राउजर अलाइन हैडिंग ऑन द लेफ्ट अब यहाँ पे आपका एक पूरा बन करके आया हेडिंग का इसको आप रीड करिए जैसे कि एच टी एम एल यहाँ पर टाइटल दी गई आपकी हेडिंग इन एच टी एम एल यहाँ पे स्लैश हेड क्योंकि हेड को क्लोज करने के लिए फिर बॉडी आपका मेन बना हुआ है एच वन मीन्स हेडिंग अलाइन लेफ्ट जो भी आपके हेडिंग दिए हैं आप ये वहाँ पे कहाँ पे होगी लेफ्ट में फर्स्ट लेवल हैडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं H1 वन में जो अलाइन है लेफ्ट साइड में आपने लिखा हुआ है आपकी हेडिंग होनी चाहिए फर्स्ट लेवल हैडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लेवल हैडिंग आपकी लेफ्ट साइड में है और काफी बड़ी हेडिंग है H2 टू में अलाइन आपने लिखा है सेंटर सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग और स्लैश एच टू मीन्स ये क्लोज करने के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड लेवल हेडिंग ये आपकी आपने सेंटर डाला इसलिए ये प्रिंट होकर के आपके सेंटर में आई एच थ्री में थर्ड लेवल हेडिंग जब आप यहाँ थर्ड लेवल हेडिंग करेंगे तो ये आपकी हमेशा लेफ्ट साइड ही होकर के आएगी क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ दिया नहीं था कि लेफ़्ट होना चाहिए कि राइट right होना चाहिए एच फोर अलाइन में आपने राइट right कहा है फोर्थ लेवल हेडिंग स्लैश एच फोर तो यहाँ पे आपकी राइट right साइड में फोर्थ लेवल हैडिंग हो कर के आई है फिगर सिक्स पॉइंट थ्री में आप देख सकते हैं डिस्प्लेइंग डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग विद डिफरेंट अलाइनमेंट जो जो आपने दिया है यहाँ पे। एच फाइव में अलाइन जस्टिफाई फिफ्थ लेवल हैडिंग स्लैश एच फाइव एच फाइव में जो आपकी फिफ्थ लेवल हेडिंग है जब आपने जस्टिफाई भी आपका लेफ्ट साइड में ही होगा एच सिक्स में भी सिक्स लेवल हेडिंग यहाँ पे भी आपने कुछ दिया नहीं है कि कहाँ पे होगा तो ये डायरेक्ट आपके लेफ्ट साइड पे ही प्रिंट होकर के दिखाएगा अब यहाँ पे आपको आपकी बॉडी को क्लोज करनी पड़ेगी एस्टिमल डॉक्यूमेंट आपका पेज क्रिएट हो गया स्लैश बॉडी देन स्लैश एस्टिमल आपका पेज बन करके तैयार हो जाएगा प्रेस सेंटर की एंड दिस विल डिस्प्ले इन योर स्क्रीन